डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे खसरा और रुबेला की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने कहा कि वह खसरा और रुबेला को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में वर्ष 2023 तक खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा था। इससे पहले भारत कई कारणों से 2020 की समय सीमा से चूक गया था। चलिए जानते हैं खसरा क्या है। खसरा एक विषाणु जनित अत्यधिक संक्रामक रोग है। यह रोग संक्रमित बच्चे या वयस्क के नाक और गले में पाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। बिना टीकाकरण वाले छोटे बच्चों को खसरा और इसकी जटिलताओं का सबसे अधिक खतरा होता है, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल है। बिना टीकाकरण वाली गर्भवती महिलाओं को भी इससे खतरा हो सकता है। खसरा अभी भी कई विकासशील देशों में आम है, विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में। अब जानते हैं रुबेला के बारे में। रुबेला भी वायरस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह अपने विशिष्ट लाल दानों के लिए जाना जाता है। इसे जर्मन खसरा या तीन दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। अधिकांश लोगों में संक्रमण के हल्के लक्षण होते हैं। हालांकि ये गर्भावस्था के दौरान संक्रमित माताओं के अजन्मे शिशुओं के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अब समझते हैं कि रुबेला और खसरा में क्या अंतर है। रुबेला खसरे के समान नहीं है, लेकिन दोनों बीमारियों के कुछ संकेत और लक्षण एक समान हैं, जैसे लाल चकत्ते या फिर दाने। रुबेला खसरे की तुलना में एक अलग वायरस के कारण होता है और खसरे जितना गंभीर नहीं होता है। खसरा और रुबेला दोनों को एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की सिर्फ दो खुराक से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दशकों में खसरे के टीके से वैश्विक स्तर पर 30 मिलियन से अधिक मौतों को टालने का अनुमान है। चलिए अब जानते हैं सरकार द्वारा मीजल्स और रुबेला को खत्म करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2010-2013 के दौरान भारत ने 14 राज्यों में 9 महीने से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए चरणबद्ध खसरा कैचअप टीकाकरण का आयोजन किया था। 2014 में गैर टीकाकरण आबादी के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। 2017 से 2021 के दौरान भारत ने खसरा और रुबेला उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना को अपनाया। इसी अवधि में सरकार ने रुबेला युक्त टीका यानी आरसीबी को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, खसरा और रुबेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, रुबेला खसरे के समान नहीं है, लेकिन दोनों बीमारियों के कुछ संकेत और लक्षण समान होते हैं। कथन दो है, रुबेला खसरे की तुलना में एक अलग वायरस के कारण होता है। उपरोक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।